हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अगेन 10वीं क्लास के केस स्टडी के क्वेश्चन चैप्टर ट्रायंगल के। इससे पहले तीन केस स्टडी के क्वेश्चन आपके ट्रायंगल चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। हम नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी के ऊपर ट्रायंगल चैप्टर के करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शंकर इज हैविंग अ ट्रायंगुलर ओपन स्पेस। शंकर के पास एक ट्रायंगुलर शेप का एक ओपन स्पेस है अपने उसके प्लॉट में। ही डिवाइडेड द लैंड इंटू थ्री पार्ट बाय ड्रॉइंग ए बाउंड्री ऑफ पी क्यू आर एस विच इज पैरेलल टू बी सी। उसके जो पास जो शेप है वो ट्रायंगुलर की शेप है। उसने क्या करा, उस ट्रायंगल को तीन पार्ट कर दिए। एक पी क्यू ड्रॉ किया और एक आर एस ड्रॉ किया। किसके पैरेलल? बी सी के। मीन्स पी क्यू पैरेलल टू आर एस, फिर पैरेलल टू बी सी। तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। जब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन आएगी, वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो रेशियो क्या होगा? सेम होगा। साइड का रेशियो सेम होगा। मीन्स जो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर किसके होगा? ए बी सी के। ए पी क्यू सिमिलर किसके होगा? ए बी और ये सी के। ऐसे इसमें एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा? ए आर एस। ए आर एस सिमिलर किसके होगा? ए बी सी के। मीन ये दो दो ट्रायंगल है, रोज जिसमें ग्रो किया है, ग्रास जिसमें ग्रो किया है, वो किसके बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ऑन द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। अब मेजरमेंट आपको फिगर के अंदर दे रखी है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड? एरिया ऑफ लैंड, लैंड हमारे पास कौन सी शेप है? ट्रायंगुलर की शेप है। तो एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड किसकी शेप में? लैंड हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बी सी और हाइट है हमारे पास 10। तो हाफ बेस हो गया 10 और हाइट हमारे पास कितनी है? 12। हाइट कितनी है? 12 इंटू में 12, तो ये आ जाएगा 26। 6 12 आ गया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई, 60 मीटर। मीटर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 60 मीटर स्क्वायर बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू? पी क्यू की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू? पी क्यू की लेंथ क्या होगी? अब देखिए पी क्यू की लेंथ क्या कह रहा है। पी क्यू मेरे पास ये रहा, हमें पता है ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए पी क्यू ट्राइंगल। ए पी क्यू सिमिलर किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशो सेम होता है। तो हमारे पास एक साइड क्या है? एपी। क्या है ये? एपी। तो एपी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सी साइड? बड़ी साइड ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू इसकी साइड कौन सी है? पी क्यू। पी क्यू निकालना है अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड बी सी। ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एपी की जगह 5 अपॉन में ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस 7 12, 12 और 8 20। 20 इज इक्वल टू पी क्यू हमें निकालना है, बी सी की वैल्यू 10। 5 वन जा 5, 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 पी क्यू इज इक्वल टू 10। पी क्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन में 4, तो 10 अपॉन में 4 क्या आ गया? 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया? 2.5। 2.5 मीटर। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए 2.5। अब हम करते हैं अगला अगला पार्ट। इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। रफ ये बना रखा है, इसमें बना रखा है, देखिए रफ डायग्राम, रफ डायग्राम इसमें बना रखा है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो लेंथ ऑफ आर एस, आर एस कहां से? ये आर हमारे पास ये आर है और ये क्या है? एस। ये निकालना है हमारे को आर एस। तो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए आर एस। ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ए आर एस सिमिलर किसके? बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के। ए आर, ये देखो ए आर एस सिमिलर किसके? ए बी सी के। तो क्या करेंगे? साइड का रेशियो सेम, तो क्या लिखेंगे? ए आर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर एस अपॉन में बी सी। आर एस अपॉन में बी सी। ए आर किसके बराबर? 5 प्लस 7 12 अपॉन में ए बी। ए बी कितना होगा? 20 इज इक्वल टू आर एस कितना है? आर एस हमें निकालना है,
और बीसी कितना हमारे पास 10, 4 से मल्टीप्लाई, 4 थ्री जा 12, 4 फाइव जा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर एस 5 आर एस इज इक्वल टू 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30, तो आर एस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो आंसर इज 6, आर एस इज इक्वल टू 6, तो आंसर इज बी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पी क्यू, ए पी क्यू निकालना क्या है, एरिया ए पी क्यू, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पी क्यू निकालेंगे, एरिया ऑफ ए पी क्यू, इसका आर एस का हमारा ये है ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर किसके, बड़े वाले ट्राइंगल के, एरिया ऑफ सिमिलर टू किसके, ए बी सी के, ये छोटा ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है, बड़े वाले ट्राइंगल के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, किसका एरिया निकालना है, ए पी क्यू का, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, पी क्यू अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, पी क्यू अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, ए पी क्यू का एरिया हमें निकालना है, ए पी क्यू एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में बी सी का, ए बी सी का एरिया हमने 60 निकाल रखा है पहले पार्ट में, 60 क्या निकाला था हमने, 60 इज इक्वल टू पी क्यू कितना मेरे पास 6 निकाला है अभी, ये रहा 6, पी क्यू कितना है, पी क्यू हमने निकाला था 5.25, पी क्यू हमने निकाला था ये रहा 2.5, पी क्यू कितना निकाला है 2.5, पी क्यू इज 2.5, ये 2.5 और ये 6, तो 2.5 2.5 अपॉन में पी क्यू 2.5 अपॉन किसका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हमारे पास 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना आ गया, यह हम ये लिख सकते हैं एरिया निकालना है स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये भी कर सकते हैं ये तरीका, ये हमारा ये भी हो सकता है एरिया कौन सा ट्राइंगल ए पी बी ए पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी के, इसका मतलब एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, मीन ए पी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में ए बी सी का एरिया 60, ए पी कितना है 5, ए पी कितना है 5 और ए बी कितना है हमारे पास 20 का होल स्क्वायर, ये कट गया 5 बन जा और ये 5 4 जा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में 60 इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर और ये 1/4 क्या हो जाएगा 16, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में 60 इज इक्वल टू 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 60 इधर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 60/16, 4 से 4 4 जा 4 से 15, 15/4 15/4 क्या जाएगा 15/4 4 3 जा 12 75, 3.75, तो एरिया इज 3.5, तो आंसर क्या आएगा इसका सी, आंसर इज सी, इसका आंसर क्या आएगा सी, ये हमारा पार्ट है नेक्स्ट। अब देखिए पहले का इसका आंसर था बी, इसका आंसर था 3.75, एरिया ऑफ ए आर एस, ए आर एस देखो ये ए एरिया ऑफ ए ए आर एस ए आर एस, तो इसमें भी क्या होगा एरिया ऑफ ए आर एस, ए आर एस एरिया ऑफ ए आर एस ये निकालना है, तो एरिया ऑफ सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ए आर एस अपॉन में एरिया ऑफ किसका ए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा ए आर अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर, ए आर अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए आर एस सिमिलर किसके ट्राइंगल ए बी सी के, तो एरिया ऑफ ए आर एस निकालना है, एरिया ऑफ ए आर एस अपॉन में इसका एरिया 60, ए आर कितना है 5 + 7 = 12 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर, 4 से कट रहा है 4 3 जा 4 से कट रहा है 5, तो एरिया ऑफ ए आर एस अपॉन में 60 इज इक्वल टू 9/25 क्रॉस, ये 60 से जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ए आर एस,
एरिया ऑफ ए आर एस इज इक्वल टू 9 अपॉन में 25 इंटू में 16, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 से 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 5, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 21.6, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट ट्रायंगल का। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी किससे है, हमारा ट्रायंगल के। ये सारे के सारे 10 केस स्टडी क्वेश्चन हमारे ट्रायंगल चैप्टर से हैं और इन्हीं में से ही पेपर में आएगा। सम किंडरगार्टन स्टूडेंट, किंडरगार्टन स्टूडेंट वर प्लेइंग नियर ए लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट के आसपास बच्चे खेल रहे हैं। एंड दे आर सो एक्साइटेड टू सी द शैडो एंड ट्राइंग टू सो देयर शैडो इज द लॉन्गेस्ट। द लैंप पोस्ट वॉज 3 मीटर अबाउट द ग्राउंड। जो लैंप पोस्ट है, ये मेरे पास क्या है, लैंप पोस्ट, इसी में ये देखिए, ये मेरे पास लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी है 3.6 अबाउट द ग्राउंड। एंड वन ऑफ द गर्ल और हाइट 90 सेंटीमीटर, मीटर है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का मतलब 0.9 मीटर, ये सीडी है। और द गर्ल इज वॉकिंग एट ए स्पीड अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, यहां से इसकी तरफ जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट सो द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कौन सी होगी, शैडो क्या है, ये गर्ल है तो शैडो कौन सी आएगी, आएगी डीई, डीई इज द लेंथ ऑफ शैडो, तो सी आंसर है। वट वुड बी द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद अगर यहां से स्टार्ट किया चलना, किस स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना किया, तो 4 सेकेंड के बाद वो मान लो डी पर पहुंच गई, तो डी पर पहुंचकर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और यहां से इनका डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया, क्या हो गया एक्स, तो स्पीड कितनी है 1.2 और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बी डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 1.2 और टाइम कितना है 4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर, तो ये कितना आ गया 4.8 मीटर आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, शैडो, शैडो तो मुझे डी ई निकालना है, क्या निकालना है डी ई, लेट डी ई क्या आ गया हमारे पास एक्स, डी क्या आ गया एक्स, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके है, ए बी ई के, किसके सिमिलर है, ए बी ई के, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, सिमिलर है तो साइड का रेशो सेम, साइड का रेशो सेम, तो यहां पर क्या होगा, छोटी साइड एक्स अपॉन में बड़ी साइड, ये देखो ये आएगी पूरी बी ई, बी क्या है एक्स प्लस 4.8, एक्स प्लस 4.8 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ये हाइट कितनी है डी सी 0.9 अपॉन में, ये कितना है 3.6 पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 1 9 9 4 36, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स अपॉन में एक्स प्लस 4.8 इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी बात कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई, x से, तो मेरे पास क्या आएगा x अपॉन में x प्लस 4.8 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू x प्लस 4.8 और ये प्लस का इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन में 3, 3 1 3 3 1 3 6 1.6, तो b मेरे पास क्या आ गया 1.6, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ शैडो है 4 सेकंड के बाद वो क्या होगी डीई, और डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर, शैडो की लेंथ 1.6 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इसका एक फिगर बना लेते हैं, ये मेरे पास क्या थे फिगर थी, फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि आसानी रहे, ये ए बी,
ये सी, ये डी और ये ई, ये एंगल ये कितना आ गया था 4.8, चलो तो बाद में करेंगे, लेकिन इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी हाइट थी 3.6 और इसकी हाइट 0.9। उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज द गर्ल फ्रॉम द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट से लड़की कितनी दूरी पर थी, इसका मतलब 4 सेकंड के बाद लड़की कहां पहुंची, ए से बी से डी तक पहुंची, और हमने निकाला था बी से डी कितना है, डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी 1.2 और टाइम कितना था 4, तो इज इक्वल टू 4.8 मीटर। तो 4 सेकंड के बाद लड़की कहां थी, बी से डी पर पहुंच गई, बी लैंप पोस्ट की, बी का फुट या लैंप पोस्ट का फुट इससे कितनी दूरी पर 4.8। ट्रायंगल ए बी, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और सी डी ई ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि इनके एंगल आपस में क्या इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल ई क्या है कॉमन, तो बी डी बराबर है, इक्वल है, तो क्या आएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, नहीं, शैडो ऑफ ए गर्ल इक्वल टू द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, नहीं, क्योंकि डी ई शैडो है लैंप पोस्ट की, जो हाइट है वो गर्ल की जो शैडो है वो डी ई है और ए बी क्या है लैंप पोस्ट के, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, एंगल बी और ई आर कॉमन, इसका मतलब बी और डी बराबर है दोनों में, ई दोनों में कॉमन, तो एंगल क्या आएगा इसका सी, इस वजह से क्या है सिमिलर है। ए बी डिनोट, ए बी क्या है लैंप पोस्ट की हाइट एंड सी डी क्या है गर्ल की हाइट, तो क्या लिखेंगे गर्ल, ए बी डिनोट द लैंप पोस्ट एंड सी डी डिनोट द गर्ल, तो आंसर इज डी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल का अगेन थर्ड वीडियो में है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ट्राइंगल। एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट है ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक एरोप्लेन कितनी स्पीड से 300 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ वहां पहुंचा, ए पर पहुंचे कितने कुछ समय बाद, इसकी स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर, और ए कहां पहुंचा एट द सेम टाइम वेस्ट की तरफ, यहां पर किस स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर इसके बाद कुछ समय लगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर, इसका मतलब ओ से लेके ए तक जाने में उसको कितने घंटे लगे, 1.5 आवर लगे, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, मुझे क्या निकालना है ओ ए, क्या निकालना है ओ ए, ओ ए इज डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो ओ ए डिस्टेंस ओ ए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है इसमें 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इंटू में टाइम कितना है 1.5 आवर, आर से आर कट, 300 को 1.5 से, तो क्या आएगा 450 किलोमीटर, 300 पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 450 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन जो नॉर्थ की तरफ गया था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 450 किलोमीटर, तो आंसर इज ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड एरोप्लेन वही सेम, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड उसकी चेंज होगी, कितनी स्पीड होगी 300 के बदले कितनी होगी 400, कितनी होगी, पहले का आंसर 450 किलोमीटर। अब वो वहां से डेढ़ घंटे में कहां पहुंचा, डेढ़ घंटे में वो ओ से कहां पहुंच गया बी में, तो इसकी स्पीड कितनी थी 400 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा 1.5 आवर, तो सेम वही कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड एरोप्लेन और वो मेरे पास क्या ओ बी, क्या है ये ओ और ये बी, तो ओ बी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, ओ बी जो डिस्टेंस है दैट इज द कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड ये है हमारे पास 400 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 1.5 आवर, आर से आर कट, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 600 किलोमीटर, तो आंसर इज 600 किलोमीटर, बी डी आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक फिगर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से फिगर थी ये ओ से ए पर पहुंचा, ओ कितनी स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा 1.5 आवर, ओ
से बी तक आने में स्पीड कितनी थी 400 किलोमीटर पर आर और टाइम कितना लगा 1.5 आर। तो इसका मतलब ये हो गया, डेढ़ घंटे के बाद पहला एरोप्लेन ए पर पहुंचा, दूसरा एरोप्लेन बी पर पहुंचा, तो ए और बी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन कितने टाइम के बाद, डेढ़ घंटे के बाद। और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। विच ऑफ द थर्ड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट शो द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, दो एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस डेढ़ घंटे के बाद वो ए और बी के बीच की दूरी होगी ए बी। विच एरोप्लेन ट्रेवल्ड लॉन्गर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाउ मच, जो पहले एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया वो 450 किलोमीटर किया, दूसरे एरोप्लेन ने कितने किया 600 किलोमीटर कवर किया। ये हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड एरोप्लेन ने, सेकेंड ने कितना, तो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, सेकेंड एरोप्लेन ने 150 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाउ फार द टू एरोप्लेन वुड बी आफ्टर 1.5 आवर, डेढ़ घंटे के बाद जो दो एरोप्लेन थे वो कितनी दूरी पर थे, वो ए बी है और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी ओ में ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा, ओ ए बी का स्क्वायर, ये कितना है 600 का स्क्वायर प्लस में 450 का होल स्क्वायर। अब इसको करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये 50 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसमें कुछ कॉमन आएगा 15 फोर जा और ये 15 की टेबल में 50, ये आएगा 600 का स्क्वायर, 600 का 3600 और फिर 40 ये आएगा, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4500 का स्क्वायर, 4500 का स्क्वायर। नहीं तो हम सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इसका रूट करेंगे, 600 का स्क्वायर मतलब 6 × 100 का होल स्क्वायर प्लस में इसको करेंगे 45, ये आएगा आपका 45 × 9 × 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, ये 100 है, 100 के फिर फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा आपके पास, या तो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 645 को दो बारी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो थोड़ा आसान तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा ये लंबा पड़ जाएगा, 45 का स्क्वायर करेंगे, 45 का स्क्वायर, ठीक है, 45 2025 00, ये क्या आएगा 00, ये 5 2 6 5, तो कितना आ गया 5 6 2 5 00। तो हमारे पास क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका रूट, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसका रूट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5 00, तो 5 6 2 5 00, ये पेयर ये पेयर ये पेयर 7 7 49, कैरी ऑन करेंगे 7 आ जाएगा और ये क्या आएगा 2 और ये 5, 7 7 14, साथ में जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, तो इसका मैं क्या आ जाएगा 5 इधर और 5 इधर, 5 5 25, कैरी ऑन 2 और 5 4 20 22 5 5 7, तो ये आएगा 00 फिर 10, कितना आएगा 750, तो ए बी इज इक्वल टू 750 किलोमीटर। तो इसका मतलब डेढ़ घंटे के बाद दो प्लेन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 750 किलोमीटर, पहले इसका स्क्वायर कर दिया फिर इसका स्क्वायर कर दिया फिर उसके बाद क्या निकाल दिया इनका रूट 750 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब Now thanks for today to join us and next video we will again solve the case study के question class 10th mathematics के। Thanks for today.